हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक प्ले स्टेशन। तो आज हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि आप एक 3D स्नैक कैसे बना सकते हो। तो चलो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं। सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम स्नैक की आईज बना देते हैं। यहाँ पे अलग ही ड्रॉ करते हैं अभी, इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, इतनी बड़ी सही रहेंगी। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन कर लेना है, और फिर ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से इसे ले जाके यहाँ पे कर देना है, सही से लगा देना है। फिर आपको इसको कॉपी कर लेना है, और फिर वापस से इसको एक पेस्ट कर देना है। अब वापस से इसको यहाँ पे लगा देना है, तो इससे आपकी दोनों ओनो आईज बिल्कुल सेम रहेंगी, सेम साइज की। तो यहाँ पे फिट कर दिया। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कर्व ले लेना है। कर्व सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी है हम लोगों ने। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो ऐसा सही है। अब यहाँ पे कोई और शेप तब तक भी चूज कर लेते ताकि होना। तो चलो गाइस, यहाँ पे हम कलर कर लेते हैं। सो आईज में तो ऑब्वियसली ब्लैक ही होगा, तो ब्लैक कर लेते हैं यहाँ पे, और स्नेक में हम तब तक लिए येलो कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ही करना है, तो वैसे इसको सेलेक्ट कर ले देना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपने कीबोर्ड में जाना है और स्विफ्ट बटन को प्रेस करना है, और प्रेस करके रखिएगा, और आपको अपने माउस पे क्लिक करके आपको अपने माउस को दबाना है, और फिर धीमे धीमे आगे पीछे करना है। तो इससे आपका 3D स्नेक ये बन रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3D स्नेक बन रहा है। अगर आप मतलब थोड़ा सा मीडियम स्पीड से आपको करना है, मैं आपको एक बार अंडो करके दिखा देता हूँ। जैसे कि वापस से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, और आपने स्विफ्ट दबाया और माउस की प्रेस की, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्के हल्के आपको इसको घुमाना है, तो जिससे आपका ये 3D स्नेक बनता जाएगा। और इससे आप एक और चीज भी बना सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई वॉल मतलब अपना कुछ वॉलपेपर वगैरह स्माइल्स का लगाना चाहते हो, तो ये आप ऐसे कर लगा सकते हो, जैसे कि ऐसे करके आप लगा सकते हो, यहाँ से इसको ऐसा लगा सकते हो। बाकी स्नेक भी बन सकता है, मतलब मैंने ये वीडियो तो स्नेक के लिए डाला था। सो स्नेक एक बार वापस से आपको बना के दिखा देते हैं गाइस। सो ये रहा 3D स्नेक। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर सॉरी हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।